2022 के विधानसभा चुनावों को भाजपा मिशन रिपीट करने के नारे के साथ लगातार बैठकों के आयोजन में जुटी है। इसी कड़ी के तहत रविवार को ऊना भाजपा मंडल के सभी मोर्चों की एक संयुक्त बैठक हुई। बैठक में छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं बैठक में लोकसभा क्षेत्र प्रभारी के साथ जिला मंडल और भाजपा के सभी मोर्चों के पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बैठक के दौरान सतपाल सत्ती ने मोर्चों के कार्यकर्ताओं को उनके वर्गों के लिए केंद्र और प्रदेश सरकारों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। वहीं सत्ती ने कार्यकर्ताओं से सरकार की जनहितैषी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान भी किया। सत्ती ने कहा कि प्रदेश में सत्तासीन जयराम सरकार ने अपने इस कार्यकाल में हर वर्ग के लिए काम किया है, जिसके चलते भाजपा इस बार मिशन रिपीट कर इतिहास रचेगी। भारतीय जनता पार्टी ऊना मंडल की अलग अलग मोर्चों के पदाधिकारियों की आज मीटिंग है। इन मोर्चों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का काम बढ़े और अलग अलग वर्गों में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े, उसके नाते राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के संविधान में मोर्चों की व्यवस्था की गई है। तो आज युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति और उनके साथ साथ हमारा SC मोर्चा के साथ साथ हमारा जो IT सेल है, इस तरह से 4-5 मोर्चों की, किसान मोर्चा और OBC मोर्चा, इनकी जो मीटिंग रखी गई है, अलग अलग वर्गों में BJP का काम बढ़े और उन वर्गों की क्या क्या समस्या है या उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो वो फीडबैक लेने के लिए इन सब लोगों को आज मंडल के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। लगभग 50-55 लोग हैं, तो उस फीडबैक को लेकर के फिर इस कंस्टिट्यूएंसी की डेवलपमेंट के लिए लोगों के काम किस तरह से किए जा सकते हैं, वो सारा फीडबैक लिया जाएगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिले और अलग अलग वर्गों को भी गवर्नमेंट का लाभ मिले, उसके नाते जो आज मीटिंग रखी है। इस मीटिंग में हमारे जिला के अध्यक्ष भी आए हैं, पार्लियामेंट के प्रभारी आए हैं और बाकी भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट, महामंत्री, ये सब लोग इसमें आए हैं। मुझे लगता है जहाँ तक मिशन रिपीट का मामला है, तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने जयराम ठाकुर जी और मंत्रिमंडल के नेतृत्व में जो विकास के काम इन लगभग 2.5-3 वर्षों में हो सकते थे, वो पूरी तरह से किए हैं। लेकिन अगर 2.5-3 वर्षों के कार्यकाल को हम लोग 1.5 वर्ष का कहेंगे, तो मुझे लगता है उसमें भी गलती नहीं होगी, क्योंकि 2 साल तो हमारे कोरोना के कारण समाप्त हो गए, हमारे नहीं हुए, पंजाब गवर्नमेंट के भी हुए, दिल्ली के भी हुए, चंडीगढ़, हरियाणा गवर्नमेंट के हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 साल खराब हो गए। तो ये गवर्नमेंट जाएगी जरूर 5 साल के बाद चुनावों में, लेकिन उस समय हम लोगों के 2-2.5 वर्ष ही काम के होंगे। मैं जो दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस के 2 दशकों के बराबर जो काम नहीं हुए होंगे, वो जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट में, नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट में इन 2-2.5 वर्षों में जो काम हुए हैं वो बहुत ज़्यादा है। लोगों के हित के निर्णय लिए गए हैं, गांव और गरीब के निर्णय लिए गए हैं, सामाजिक दृष्टि से लोगों के लिए निर्णय लिए गए हैं, बुजुर्गों के लिए निर्णय लिए गए हैं, सहारा योजना के अंतर्गत बेड पे पड़े हुए मरीजों के लिए निर्णय लिए गए, ऐसे बहुत से निर्णय हैं, वो बहुत लंबी सूची है। तो मुझे लगता है कि मिशन रिपीट जनता के आशीर्वाद से और नेताओं के किए हुए कामों के सहयोग से अवश्य हिमाचल प्रदेश में होगा, 30 साल के इतिहास को हम लोग बदलेंगे। हिमाचल दस्तक बैक TV के लिए ऊना से चंद्रमोहन चौहान।